हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल एसएमआर में। दोस्तों ये जो है वीवो का फोन है दोस्तों, और इसमें अचानक जो है टच काम करना बंद कर दिया दोस्तों। तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, तो आपके पास भी वीवो का कोई भी फोन हो दोस्तों, इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों। यदि आप वीवो फोन चला रहे हैं तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना, ये वीडियो आपको कभी भी काम आ सकता है दोस्तों। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देख लीजिए, और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब वाला बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। तो दोस्तों यहाँ पे जो है इसका टच नहीं काम कर रहा, तो इसको हम रिपोर्ट करना चाह रहे हैं तो नहीं कर पा रहे हैं, रिस्टार्ट करना चाहते हैं तो भी नहीं कर पा रहे हैं, स्विच ऑफ करना चाहते हैं तो भी नहीं कर पा रहे हैं। अरे कहना क्या चाहते हो, क्योंकि जो है इसका अचानक जो है टच काम करना बंद कर दिया दोस्तों। तो ऐसा प्रॉब्लम आपके साथ भी हो सकता है या हो गया है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देख लीजिए। मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आप जो है यदि आपका फ़ोन अचानक टच काम करना बंद कर दिया है तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हम इसको स्विच ऑफ करना चाहते हैं तो स्विच ऑफ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो है इसका टच अचानक जो है काम करना बंद कर दिया है। यहाँ पे देख लीजिए, हम कहीं भी टच कर रहे हैं तो जो है इसका टच नहीं काम कर रहा है। तो ऐसा प्रॉब्लम यदि आपके साथ हो गया है दोस्तों, तो आपका वीवो का कोई भी फ़ोन हो, इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देख लीजिए और इस ट्रिक को फॉलो कर लीजिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन, दोनों बटन को आपको लगभग 5 से 10 सेकंड तक लगातार प्रेस करके रखोगे तो आपका फ़ोन ऑटोमेटिक रिबूट हो जाएगा। और जो है आपके फ़ोन में यदि अचानक से जो है कोई भी प्रॉब्लम हो गया है तो आपका जो है सही हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे देख लीजिए, हमारे फ़ोन का जो है अचानक टच काम करना बंद कर दिया था, उसके बाद हमने इसको वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन दोनों बटन को एक साथ प्रेस किया तो हमारा फ़ोन रिबूट हो गया है। और इससे पहले हम टच से जब इसको रिबूट करना चाहते थे तो हमारा जो है रिबूट नहीं हो रहा था, क्योंकि जो है हमारा जो है टच काम करना बंद कर दिया था दोस्तों। तो अचानक से ऐसा प्रॉब्लम यदि आपके साथ हो गया है तो ऐसी इस ट्रिक का इस्तेमाल करके जो है आप अपने फ़ोन को घर पे ही ठीक कर सकते हो दोस्तों। और अधिकतर ये प्रॉब्लम उस फ़ोन में आता है जिस फ़ोन का जो है फोल्डर चेंज हुआ होता है। यदि आपने फोल्डर चेंज किया करवाया है तो आपका ऐसा प्रॉब्लम कभी भी हो सकता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, हमारा फ़ोन ऑन होने वाला है, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे जो है कि हमारा जो है टच काम करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, हमारा फ़ोन ऑन हो गया है, और अब यहाँ पे हम आपको टच करके दिखाएंगे जो है टच काम करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, अब हमारा जो है टच काम करने लगा है दोस्तों। पहले जो है इसका टच नहीं काम करता था, और अब ये जो है पूरी तरीके से ठीक हो गया है दोस्तों। तो आपको ये ट्रिक अपने ही घर पे जो है प्रयोग करना है दोस्तों। तो कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना।